लाल बहादुर शास्त्री का मंत्र था जय जवान जय किसान, इस सरकार का मंत्र है मर जवान मर किसान। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में अग्निपथ योजना के बारे में आपको बताया था। तब से लेके अब तक देश भर में उसी अग्निपथ योजना को लेकर तमाम तरीके का बवाल कट रहा है। मतलब एक बात समझ में नहीं आती है, किसानों के फायदे के लिए कानून लाया गया, किसानों को ही समझ में नहीं आए, GST व्यापारियों को समझ में नहीं आया, और अब जवानों के लाभ के लिए एक अग्निपथ योजना लाई गई जो कि जवानों को ही समझ में नहीं आ रही है। वक्त ये भी तो कहते हैं 2014 के बाद अगर माना जाए तो देश आजाद हुआ, देश डेवलप्ड हुआ, उससे पहले देश में कुछ भी नहीं था। बिल्कुल कुछ नहीं था, उससे पहले हम आदिवासी थे, केले के पत्ते बांध के घूमते थे। ये सूरज चांद भी थोड़े दिन में आपको सुनने को मिलेगा, ये मोदी जी की देन है, ये प्रकृति बसाने वाले मोदी जी है। कुछ था ही नहीं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ हा हु हुलालू, हा हु हुलालू भाले ले लेके हिंदुस्तान के लोग चला करते थे। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, जिस तरीके से देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन के नाम पे ये नहीं होना चाहिए। ऐसा करके उन लोगों ने, यानी जिनको विरोध करना था, जिनको अपनी आपत्ति दर्ज करानी थी, उन्होंने ही अपने आंदोलन को कमजोर कर लिया है। आपको भर्ती आर्मी में होना है और आप नुकसान सबसे ज्यादा रेलवे का कर रहे हैं। ऐसा करके आपकी मांगे तो पूरी नहीं होंगी, बल्कि आप अपना आंदोलन भी कमजोर कर लेंगे। तो दोस्तों, इसी पूरे मुद्दे पर गोदी मीडिया किस तरीके से अपना खेल खेल रहा है और बाकी चीजें क्या क्या हो रही हैं, जरा ये भी आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। तो दोस्तों, हमेशा की तरह जैसे ही सरकार की एक और योजना को लेकर सवाल खड़े होने लगे, गोदी मीडिया ने अपना मोर्चा संभाल लिया और सबसे आगे आया चुशान सिन्हा। दुनिया के करीब 30 देशों में, आपको पता है, सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ जैसी योजना चल रही है, 30 कंट्रीज। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कुछ नया अजूबा ढूंढ दिया है। और अब अगर कल को मोदी जी अपनी तपस्या में कमी बताकर इस योजना को वापस ले लें, तो मोदी जी को गरियाएगा भी चुशान सिन्हा। तो फिर उन लोगों को भी तो जवाब दीजिए जो इस कानून के बारे में लोगों को बता रहे थे, समझा रहे थे। हमारे जैसे लोग, हम लोग खड़े रहे, हमारे लिए आपने क्या किया, शून्य कर दिया। और चुशान सिन्हा जो इस बात को गिना रहा है कि दुनिया में कौन कौन से देश इस तरह की स्कीम को अपनाते हैं, अपने देश में लागू करते हैं, वो ये तो नहीं गिनाता कि दुनिया में कितने लोग ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं जो भारत में इस्तेमाल की जाती है। वहां पर इनकी बोलती थोड़ी सी अंदर ही रह जाती है, क्योंकि पहले ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, जनता को समझाते हैं योजना और कानूनों के फायदे, और फिर सरकार पीछे से आके वापस कर लेती है कानूनों को। आज हम हल्ला बोल में यही पूछेंगे कि विरोध और हिंसा का फर्क क्या अब मिट चुका है? कौन है वो सियासी अग्निवीर जो इस आग को हवा दे रहे हैं? हल्ला बोल मेरे साथ शाम 6 बजे आज। मतलब ये गोदी वीर अभी भी सियासी अग्निवीर की बात कर रहे हैं, मतलब इनके हिसाब से अभी भी विपक्ष है जो इस आग को भड़का रहा है। अरे भैया, विपक्ष की अगर इतनी ही सुन रहे होते लोग, तो विपक्ष विपक्ष ना होके सत्ता पक्ष होता। ये बढ़िया था गुरु। अभी भी इनकी ये हिम्मत नहीं हो रही है कि एस्टेब्लिशमेंट से, यानी सरकार से ये सवाल पूछा जाए कि भैया ऐसी कौन सी योजना आप ले आए जिसने पूरे देश को आग के मुंह में ढकेल दिया। अभी भी पूरा ठीकरा विपक्ष के सर पर। इसी बीच अक्षय कुमार ने अग्निवीर फिल्म की शूटिंग शुरू भी कर दी। पैसा ही पैसा होगा। और देश की संपत्ति का इतना नुकसान हो रहा है, न जाने कौन लोग हैं जो ट्रेनें जला रहे हैं, तमाम लोगों की गाड़ियां जला रहे हैं, जिसका इस योजना से कोई लेना देना भी नहीं है। और हमारी गोदी मीडिया इस पर भी चुप है। कुछ दिन पहले जिस तरीके के टैगलाइंस और पोस्टर्स बना रही थी ये गोदी मीडिया, अब गायब है। आया शुक्रवार, पुलिस तैयार, कल शुक्रवार है, बुलडोजर तैयार है, कल जुमे पर कुछ बड़ा होगा, खबरदार कल जुमा है, क्या 17 जून का शुक्रवार फिर बनेगा पत्थरवार। अब इस तरीके के कोई सवाल नहीं है कि जिन लोगों ने ट्रेनें जलाई उनके घर कब गिराए जाएंगे। दंगा तो वो भी है, सरकारी संपत्ति का नुकसान तो उन्होंने भी किया है, ना तो उनका पोस्टर छप रहा है और बुलडोजर तो कहीं और चला गया है। और इन सब के बीच गोदी मीडिया के एंकर्स अपना अपना मोर्चा संभाले हुए थे। इसी बीच BND ट्वीट करता है, सहारनपुर में अग्निपथ स्कीम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे 5 फर्जी आर्मी एस्पिरेंट्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये सभी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। इनमें पराग पवार NSUI का जिलाध्यक्ष है, जबकि संदीप चौधरी जिला पंचायत का पूर्व सदस्य है। तो मतलब BND के हिसाब से जो NSUI का जिला अध्यक्ष है या कहीं का और सदस्य है, वो इस योजना का विरोध या इसके पक्ष में नहीं बोल सकता। सिर्फ इसके जो एस्पिरेंट्स हैं वो ही इसके बारे
बारे में बोल सकते हैं। हालांकि बीजेपी दिल्ली न जाने किस किस की वीडियो ट्वीट कर रही है और बता रही है कि लोगों को इस योजना का समर्थन मिल रहा है, मतलब वहाँ ये हो सकता है। ये जो मोदी जी अग्निपथ योजना लेके आए हैं वो इससे जो है बेरोजगारी खत्म होगी और लोगों को आगे रोजगार मिलेगा। मतलब जिस आदमी को ये समझ में नहीं आया कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, वो ये समझा रहा है कि अग्निपथ योजना कितनी अच्छी है। अग्निपथ योजना जो कि आज से पहले किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी किसी को योजना ऐसी प्राप्त नहीं करी जो आज हमारे मोदी जी ने इस देश को दी है। अब आप सोचिए किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। इस इंसान को किसान आंदोलन के समय किसान बनाकर भी दिखाया जा चुका है और अब इसको एक दुकान पर दुकानदार बनाकर दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों अग्निपथ योजना को लेकर भारत में कट रहे बवाल के बीच मोदी जी अपनी माता जी से मिलने गए उनके 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। अब लोगों ने कहा कि भाई माता जी से मिलने गए तो कैमरे क्यों ले गए, अब प्रधानमंत्री हैं तो कैमरे तो साथ में रहेंगे ही। लेकिन बात आती है बीएनडी पर कि बीएनडी किस तरीके से बीजेपी आईटी सेल के लोगों के साथ घुला मिला हुआ है कि जो ट्वीट वो करते हैं सेम टू सेम वो ही ट्वीट बीएनडी भी कर देता है। वो बात अलग है कि बाद में ये ट्वीट डिलीट कर देते हैं और दूसरा ट्वीट करते हैं माँ और मोदी। एक फोटो हमें भी मिली बीएनडी और मोदी की। आप दोना। नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली। थोड़ी मर्यादा रखिए। अग्निपथ योजना को लेकर चित्रा त्रिपाठी भी एक ट्वीट करती है दूसरे पत्रकारों को जो उनकी श्रेणी के नहीं है उनको तंज मारते हुए। पत्रकारिता करने वाले लोगों को क्यों लगता है कि सब उनकी तरह ही 2BHK जर्नलिज्म करेंगे। दंगल एक घंटे का शो है मगर उसका एक छोटा सा हिस्सा उठाकर वायरल कर एंकर को बदनाम करने की सुपारी दे रखी है। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करती मगर सड़क छाप पत्रकारों को जवाब देना जरूरी है। बताइए दूसरों को सड़क छाप पत्रकार बोल रही है और इन्हीं के पत्रकार जो सड़कों पर पत्रकारिता कर रही है उनको कूट कूट कर भगाया जा रहा है इन्हीं हरकतों की वजह से। और उनके पास बड़े बड़े मोटे मोटे आज तक की टीम को टारगेट क्यों किया गया? आप तस्वीरें तो रिकॉर्ड कर रहे थे, आखिर क्या हुआ था? और अगर दूसरे लोग सड़क छाप पत्रकारिता करते हैं तो फिर आप क्या करती हैं? वो अब आपको विस्तार से हम दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 40 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। और दोस्तों इस अग्निपथ योजना से किसी का फायदा हो या ना हो, हमारे गेंडा स्वामी का फायदा इससे जरूर हो जाएगा, आखिरकार उसकी आर्मी में भर्ती हो ही जाएगी। तो सलाह हो नहीं चाहिए। और इस अग्निपथ योजना में चल रहे बवाल के बीच एक खबर ऐसी भी आई है जो गोदी मीडिया तो आपको कभी नहीं बताने वाला। हाँ किसी हेडलाइंस में चला दे तो चला दे, इस पर एक घंटे की डिबेट तो कोई सा भी गोदी वीर नहीं करने वाला। स्विस बैंकों में भारतीय फंड में 50% से ज्यादा का उछाल, 14 साल के उच्च स्तर पर 30,500 करोड़ रुपए हुआ। अब आप बताइए ये कितनी गैर जरूरी खबर है, बिल्कुल बेकार खबर है, क्योंकि असली खबर तो न्यूज नेशन पर न सिर्फ चलाई जा रही है उस पर डिबेट भी हो रहा है। अब रहा सवाल कि आप कह रही हैं कि जनसंख्या पर कंट्रोल करने की बात, बर्थ कंट्रोल पिल, मेजर्स, कॉन्डोम, पिल्स, ये तमाम चीजें, हाँ, खाना भी गलत है, इस्तेमाल भी गलत है। हाँ देखिए जो चीज शरीयत बोलेगी एक मुसलमान पर वो चीज लाजिम होगी, समझ रहे हैं आप? और प्रॉफिट के टाइम में कॉन्डोम नहीं थी, प्रॉफिट के टाइम में कॉन्डोम नहीं थी, प्रॉफिट के टाइम में बर्थ कंट्रोल पिल नहीं थी, तो फिर उसको लेके कैसे वहाँ पर कुछ लिखा हो सकता है? कुछ शर्म आया है बताइए, मतलब ऐसी मीडिया किस देश की होगी लोगों को इतना जागरूक करने वाली, इतना काम की बात बताने वाली प्राइम टाइम शो में। ये महंगाई, बेरोजगारी, आर्मी की भर्ती और स्विट्जरलैंड में भारतीयों का पैसा बढ़ गया, ये सब तो बेकार की बातें हैं। तो दोस्तों हम तो एक बार फिर यही अपील करते हैं कि अगर आपको अपना विरोध दर्ज कराना है तो कराइए, लेकिन अहिंसा और सत्याग्रह के पथ पर। इस तरीके से भारत की ही संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा आप अपने ही आंदोलन को कमजोर कर लेंगे और बाकी काम तो गोदी मीडिया कर ही देगा आपको आतंकवादी और वगैरह वगैरह बनाकर। और अब जब गोदी मीडिया का नाम आ ही गया है तो गोदी मीडिया की एक और हिपोक्रेसी भरी वीडियो के साथ वीडियो का अंत करते हैं। जी न्यूज और व्हाटएवर न्यूज इट इज, दिस पीपल दे वांट दिस गाय द बीजेपी पर्सन, हिज वॉइस शुड बी हायर एंड दिस गाय इन द अपोजिशन इट शुड बी लोअर, लुक एट दिस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का सर, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।